तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगी। नहीं, अभी जो सिचुएशन चल रहा है दुनिया में कोरोना, लेकिन हमारे बोन वाले वो कोरोना से नहीं डरते। कितना भी लॉकडाउन हो, कितना भी कुछ हो, कितना इंसान पॉजिटिव आए, पूरा दुनिया हिल जाए, लेकिन रिजल्ट वो लोग देखे ही रहेंगे। मतलब बच्चे कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन वो बोर्ड वाले हमको एग्जाम के रिजल्ट का डर से जरूर मार देंगे। तो खूब अन्याय हो यार, इतना दिन हो गया, मुझे याद तक नहीं कि मैंने एग्जाम में क्या लिखा था। सिर्फ नाम रोल नंबर ही याद है, उसके बाद कुछ याद ही नहीं क्या लिखा था। Oh my God! Wow! मैंने जब मैट्रिक दिया था 2017 में, मेरे घर वाले मुझे बोले थे कि बेटा अगर तेरा फर्स्ट डिवीजन आया तो हम तुझे एंटॉप दिलवाएंगे। अभी सेकंड डे देख लो, कुछ नहीं मिला। अब देने का मतलब एक हफ्ता पहले से सुसु उठा था, खाना उठा था, पोटी उठा था, कुछ होता ही नहीं। खूब अन्याय हो माशाल्लाह, रिजल्ट नहीं करना पता आपको? हमारे दूर दूर के रिश्तेदार जो साल में एक दिन भी कॉल नहीं करते। सबसे बड़ा चीज मेरा ऑर्डर, नोट टू बी रिटन डाउन, जो भी है ये पता मुझे इंग्लिश, वो जो हमारे रिलेटिव है साल में एक दिन भी कॉल नहीं करते, एक दिन भी कॉल नहीं करते। मेरे दोस्त कैसे हो, मम्मी कैसी है, पापा कैसे है, कोई कुछ नहीं पूछता, लेकिन रिजल्ट नहीं। अरे मेरे इतना रिलेटिव कहाँ से पैदा हो जाते हैं भाई, कहाँ से कौन पूछता है रिजल्ट कितना हुआ, रिजल्ट कैसा आया, ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। आज तक तो सीधा लोग पूछते कि लेटर कितना मिला, कोई पूछते ही नहीं डिवीजन कौन सा आया, सीधा पूछेंगे आपको लेटर कितना मिला बस। और ऐसे ऐसे रिलेटिव्स हैं हम लोग, ऐसे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो माथा खा देंगे आप लोगों को। रिजल्ट आने का 2 घंटा पहले से बोलेंगे भाई रिजल्ट आया नहीं है, आने से बोल दो ठीक। आ गए मेरे रिजल्ट का तमाशा देखने, तब रिश्तेदार फोन करेंगे, ऐसे मुंह से हगेंगे, आंखों में कमीनियत होगी। अंदर की बात बोल दो ठीक है, हम लोग कॉमर्स वाले, सब्जेक्ट क्या है, बीएससी बैंकिंग अकाउंट्स, ठीक है चलो हमने किसी तरह टांग मान के बैंकिंग बीएससी अकाउंट्स कर लेते हैं। फिर एक बहुत महान सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक्स, बस वही मार देता है हम लोग अंदर से। अरे कहना क्या चाहते हो? ये जो इकोनॉमिक्स है ना, दिमाग का माथा के ऊपर से जाता है, ये टेबल में घुसता ही नहीं है। अच्छा फिर भी अगर इकोनॉमिक्स पकड़ लेता, इकोनॉमिक्स आंसर्स कर लिया, फिर इंटरनेट कर लिया, जो भी वगैरह वगैरह कर लिया, फिर आता है इकोनॉमिक्स का बहुत ही लंबा चौड़ा एक मतलब फ्रेम आता है, उसका नाम है डायग्राम। फिर भी भगवान एक एक डायग्राम देखे तुमने देखा। पहले हम लोगों ने मैट्रिक दिया, बहुत मुश्किल से मैट्रिक दिया, किसी तरह फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया, बस हम खुश, हमको लगा बस अब से लाइफ सेट है। फिर कॉलेज गए, फर्स्ट ईयर बेस्ट है, वाह वाह वाह। रुको जरा सबर करो। उसके बाद सेकेंड ईयर ले लिया, हम लोगों का सब लोगों का एकदम खराब से ले लिया। हाँ कौन कौन? दूर के मौसी। अच्छा हाँ जी बोलिए। हाँ मम्मी अच्छा है, हाँ मैं भी अच्छा हूँ। क्या मौसी रिजल्ट दिया नहीं है अभी भी? देगा 25 से लेकर 29 तक देगा, ये अफवाह है, बाकी नहीं पता भगवान के ऊपर। हाँ हाँ आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, जब रिजल्ट आएगा हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, एकदम क्लियरली DSLR पिक से हम खींच के आपको व्हाट्सएप करेंगे, DSLR कैमरा से खींच के आपको व्हाट्सएप करेंगे ठीक है। हाँ जी मैम ठीक। Oh my God! Wow! पता है तुम लोगों को बोल के फायदा नहीं है बोर्ड वालों को, फिर भी बोल रहा हूँ कि हो सके तो रिजल्ट अपने पास ही रखो। हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं आपके रिजल्ट में, कि हमारे रिजल्ट में आप अपने पास ही रख लो, हमको देखना ही नहीं है, हमको देखना ही नहीं है, आप अपने पास ही रख लो, हमको चाहिए ही नहीं। हो सके तो किसी को दान कर दो या किसी समोसा की दुकान पे दे दो, हमको नहीं चाहिए। अपनी आंखें खोल और गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ा है, यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है बस। आपको देखना है एक HS या HSLC स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद से लेकर एग्जाम का रिजल्ट देने तक का सफर कैसा होता है, चलिए देखते हैं।
भाई कहाँ हो? अपना KTM लेकर आना कि घूमने चलते हैं। चलो ना आदिपुर में से घूम के आएगा। हाँ ठीक है, आके फोन करो ठीक है। और सुनो DSLR लेके आना ठीक है ना। हाँ ठीक है, जल्दी आना। मम्मी आज डेट कितना है? 20। कुछ ही दिन बाकी है। My result is my result. It's none of your result. Go and get your own result. मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, दिल से सुनो। हम लोगों ने एग्जाम तो दे दिया है कि नहीं? अब तो रोड होके फायदा है नहीं। रिजल्ट बोर्ड वाले देके रहेंगे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं। आज तक नहीं छोड़ा। इस कोरोना का सिचुएशन अगर रिजल्ट आ रहे तो सोच लो, रिजल्ट तो आएंगे ही आएगा ही। रिजल्ट मम्मी लोग देखेंगे ही, रिलेटिव जी फोन करेंगे ही। तो भैया जो बोला है बोले दो, अभी तक जिंदा है ना, अभी तक तो जिंदा है, आगे भी ले लेंगे बस।